Today we will discuss about interest and debenture and whole thing regarding meaning, accounting entries regarding interest and debenture we will discuss in this class. Then first thing is, what is interest on debenture and how company will pay it to debenture holder. इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, जैसा कि आप जानते हो, जैसे ही कंपनी डिवेंचर्स इशू करती है, डिवेंचर होल्डर उसे सब्सक्राइब करता है और इसलिए सब्सक्राइब करता है कि उसे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा. कंपनी चाहे प्रॉफिट में हो या फिर प्रॉफिट अर्न ना किया हो, लॉस में हो, तभी हमें डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना पड़ता है. अब बात आती है कि इस कंसेप्ट को समझेंगे क्या, तो यहाँ पर दो कंसेप्ट निकल के आता है. इंटरेस्ट अकर्ड एंड ड्यू, इट मीन्स दैट इंटरेस्ट इट अकर्ड एंड ड्यू ऑल्सो. इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. मान लेते हैं कि बुक ऑफ अकाउंट में साल की शुरुआत होती है, ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च एंड कंपनी पेज इंटरेस्ट एंड डिवेंचर हाफ ईयरली बेसिस. सो ड्यू डेट विल बी 30 जून एंड 1 दिसंबर. अब बात को समझेंगे कि कंपनी ने कहा कि भैया चलो हम आपको हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, तो कब कब हाफ ईयरली देगी. पहला हाफ ईयरली जो होगा वो 30 जून को होगा और सेकंड 1 दिसंबर को होगा. और साल क्लोज हो रहा है, ईयर इंडेड 31 मार्च. मान लो 1 दिसंबर को उसने दिया इंटरेस्ट दिया और हमें बुक ऑफ अकाउंट कब क्लोज करना है, 31 मार्च को क्लोज करना है. उस केसेज में हम क्या करेंगे, हम चूंकि पहला पढ़ा है इंटरेस्ट एक्यूड एंड ड्यू को फोकस करेंगे, यानी कि इसने ये भी नहीं दिया जो नियरेस्ट इंस्टॉलमेंट है उसका भी पेमेंट कंपनी ने नहीं किया. उस केसेज में कहा जाएगा इंटरेस्ट एक्यूड एंड ड्यू. अब हम दूसरा केस पे आते हैं कि इंटरेस्ट एक्यूड एंड नॉट ड्यू. ये क्या होता है भाई, मान लो कि इसने इसका पेमेंट कर दिया, 1 दिसंबर वाले इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो गया और हमने बुक ऑफ अकाउंट को 31 मार्च को क्लोज कर दिया. अभी भी कंपनी क्या लिखेगी, इसको तो एक्यूर्ड लिखेगी ना, क्यों, क्योंकि दिसंबर तक ही दिया आप, 1 दिसंबर को पेमेंट किया तो दिसंबर का इंटरेस्ट, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये इंटरेस्ट आपका तो बाकी है. आप उसको कब पेमेंट करोगे, जून में पेमेंट करोगे. जब जून में पेमेंट करोगे उस समय आप मान लेते हैं टाइम पे पेमेंट किया, लेकिन अभी जो बाकी है कंपनी ने बुक ऑफ अकाउंट को 31 मार्च को क्लोज कर दिया, उस केसेज में कंपनी अपने बुक ऑफ अकाउंट में लिखेगी इंटरेस्ट एक्यूर्ड बट नॉट ड्यू. अगर आपने इस नियरेस्ट इंस्टॉलमेंट का भी पेमेंट नहीं किया है, उस केसेज में कंपनी लिखेगी इंटरेस्ट एक्यूर्ड एंड ड्यू. Then after, what will be the entry, accounting entry for interest on debenture? अब देखो हमेशा की तरह हम इसमें भी पहली एंट्री करेंगे ड्यू की और दूसरी एंट्री करेंगे पेमेंट की. लेकिन कंपनी एक्ट ने बोला कि जितना भी TDS हो रहा है आप TDS काट के और डिवेंचर होल्डर को पैसा दोगे, यानी कि जो गवर्नमेंट को जाना था वो TDS में चला जाएगा और डिवेंचर होल्डर के कटे हुए अमाउंट मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि टोटल अमाउंट है 100 का और TDS से 10% ऑफ इंटरेस्ट, दैट विल बी 10% ऑफ 100 इज इक्वल टू 10. अब ये इंटरेस्ट हो गया और ये TDS हो गया. अब आप एंट्री के पहले प्रक्रिया को समझना, यू हैव टू स्टडी द होल प्रोसेस ऑफ एंट्री, मेन कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग एंट्री. पहली एंट्री होगी ड्यू की, इसमें हम केवल ड्यू दिखाएंगे, और दूसरी एंट्री होगी पेमेंट की और तीसरी एंट्री होगी राइट ऑफ की. तो सो पहले एंट्री पे आते हैं जिसमें हम ड्यू दिखाएंगे. तो ड्यू दिखाएंगे तो बैंक का नाम तो आएगा नहीं, क्योंकि बैंक का नाम तो पेमेंट में आता है. तो ड्यू दिखाएंगे तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, अमाउंट विल बी 100 टू डिबेंचर होल्डर टू TDS payable. Debenture holder amount will be 90 and TDS payable amount will be 10. ये हो गई ड्यू की एंट्री. अब आपको सीधे पेमेंट कर देनी है, एक एक को, दोनों को पेमेंट करना है. तो यहाँ हो जाएगा डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट. अमाउंट विल बी 90. हमने डिवेंचर होल्डर को दे दिया 90s. और TDS पेबल का पेमेंट करेंगे. TDS पेबल TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अब TDS पेबल टू बैंक यानी कि हमने गवर्नमेंट को हम दे रहे हैं तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 10 rupees. अब बात ये आती है कि हम पैसे लाएंगे कहाँ से. जो 100 का अमाउंट जो हमने डिफरेंट फॉर्मेट में पेमेंट किया लाइक डिवेंचर होल्डर को भी दिए और TDS को भी दिए, ये पैसे हम राइट ऑफ कहाँ से करें? तो बोलते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही एक ऐसा बक्सा है, मतलब ऐसा एक वॉलेट है जहाँ से आप उसे राइट ऑफ कर सकते हो. सो एंट्री फॉर राइट ऑफ ऑफ डिस्काउंट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड डिवेंचर एंड अमाउंट विल बी होल अमाउंट मीन्स 100, क्योंकि आपका तो 100 ही गया ना, 90 गया डिवेंचर होल्डर को और 10 गया गवर्नमेंट को, बट आपको 100 की ही एंट्री करनी होगी. एंड अवर नेक्स्ट टॉपिक इज राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिस्काउंट. अभी हमने पिछले टॉपिक में देखा कि हम इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को कैसे राइट ऑफ करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और सेम प्रोसेस हम डिस्काउंट को भी राइट ऑफ करेंगे. अब इस केसेज में आपको कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 52 तो याद ही होगा. अगर हम कोई डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो पहला हक बनता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का. अगर आपने जितना डिस्काउंट दिया है, अगर कभी आपने प्रीमियम पे डिवेंचर इशू किया है तो उसे राइट ऑफ कर लेंगे. और फिर भी मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपने कभी प्रीमियम पे डिवेंचर इशू ही ना किया हो, उस केसेज में आप जनरल रिजर्व पे जाओगे, जनरल रिजर्व से राइट ऑफ कर लोगे. अगर मान लो कोई जनरल रिजर्व भी नहीं है, उस केसेज में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर जाओगे. हम तीनों को देखेंगे. पहले हम ये समझ लें कि जब तक डिस्काउंट रिटेन ऑफ नहीं होता, इट विल बी सोन इन बैलेंस शीट अंडर हेड एसेट साइड नेम्ड सब हेड इज अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस. हम उसको अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस में दिखाते रहेंगे. एसेट साइड में अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस सब हेड के नीचे हम उस डिस्काउंट को दिखाते रहेंगे जो हमें राइट ऑफ करना है, और जब तक राइट ऑफ ना हो जाए तब तक वो वहीं रहेगा. तो हम देखते हैं कैसे होगा. मान लो कि अगर हमारा 100 rupees का हमने डिस्काउंट दिया हुआ है और हमारे पास अवेलेबल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी है, कितना 100 का ही है, तो आप सीधे उसे राइट ऑफ कर लो. जैसे कि आप जानते हो जो डिस्काउंट हम देते हैं इट इज़ कैपिटल लॉस फॉर द कंपनी, देन कैपिटल लॉस विल बी रिटन ऑफ अगेंस्ट कैपिटल प्रॉफिट. एंड यू हैव नोटिस दैट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज अ कैपिटल प्रॉफिट. SPR अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू और डिस्काउंट लॉस ऑन इशू. अगर हम 100 की बात करें, दैट विल बी 100 एंड दैट विल बी 100. मान लो कि आपके पास SPR है ही नहीं तो जनरल रिजर्व होगा, आप उससे रिटर्न ऑफ करो. हम जनरल रिजर्व से राइट ऑफ करते हैं. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू. अगर 100-100 दोनों है तो आपने इशू 100 लिख दिया. अगर मान लो आपके पास ना SPR है ना जनरल रिजर्व है, तब आप क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू 100.